आरोग्य जागृति मिशन पिंक हेल्थ IMA औरंगाबाद। ये संस्था बाल अवस्था से कुमारावस्था तक के बच्चों को यानी 10 से 25 साल के बच्चों को, जिसमें लड़के लड़कियां शामिल है, इन सबको हेल्थ अवेयरनेस को लेकर वैद्यकीय साक्षरता देने का काम करती है। स्कूल, बोर्डिंग, अनाथ आश्रम में जाकर या कैंप के जरिए ये मिशन पिंक हेल्थ संस्था आरोग्य के बारे में लड़के लड़कियों को मार्गदर्शन और जागरूक करती है, जिसमें एडिक्शन चाहे तंबाकू, गुटखा, सिगार, शराब, ड्रग्स या मोबाइल जैसी चीजों की लत ये उनके लिए कितनी हानिकारक है ये उन्हें बताकर इन सबसे दूर रहने की सलाह देते हैं। लड़कियों को उनकी बढ़ती उम्र में आने वाले बदलाव के बारे में उन्हें जागरूक किया जाता है। पहली बार आए मासिक धर्म में अपने आप को किस तरह हाइजीन रखा जाए ये एक्सपर्ट द्वारा बताया जाता है। ऐसी कई सही और गलत बातों का ज्ञान उन्हें दिया जाता है। मिशन पिंक हेल्थ के मराठवाड़ा ब्रांच में डॉक्टर संतोष रंजाड़कर, जो प्रेसिडेंट IMA औरंगाबाद है, डॉक्टर यशवंत गाड़े, सेक्रेटरी IMA औरंगाबाद, डॉक्टर अर्चना भांडेकर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, साथ ही चेयरपर्सन MPH औरंगाबाद डॉक्टर उज्ज्वला झवर, सेक्रेटरी MPH औरंगाबाद डॉक्टर मयूरा काले और शहर के कई नामवर डॉक्टर इस संस्था के साथ जुड़कर इन्हें मार्गदर्शन करते हैं। मैं डॉक्टर उज्ज्वला रविंद्र झवर कंसल्टिंग फिजिशियन हूँ, IMA औरंगाबाद की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबर हूँ गए 3 साल से, और अभी अक्टूबर से मिशन पिंक हेल्थ औरंगाबाद की अध्यक्ष हूँ। हम इस अक्टूबर से 11 से 19 साल तक के बच्चों के लिए जो वैद्यकीय साक्षरता बोलते हैं, हम हर बीमारी के बारे में उनको मालूम देना यह हमारा फर्ज समझते हैं और उनको उसके लिए बारे में अवेयर करने के लिए हम प्रोग्राम लेते हैं। और औरंगाबाद के बहुत अच्छे डॉक्टर्स एक्सपर्ट इसके लिए हमको मदद करते हैं। इतवार के लिए हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि उस दिन फ्री रहता है, लोग उसको सुनने को तैयार हैं। और हमारा जिस वेबसाइट है वो बाद में भी तुम लेक्चर रिकॉर्डेड है वो देख सकते हो। तो हमने कई इस पर भाषण अरेंज किए, तो हार्मोन्स के विकार, मानसिक आजार, फिर उच्च रक्तदाब, मधुमेह, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, देन बच्चों के कैंसर, और अभी जो एडिक्शन पे भी हमने एक स्कूल में भी प्रोग्राम लिए थे। जब थोड़े दिन कोविड में बीमारी बहुत कंट्रोल में थी और थोड़े स्कूल शुरू हो गए थे, लेकिन अब हमने ये देखा है कि एकदम भारत में सबसे ज़्यादा पीक पे है, 3 से 4 लाख के बीच में रुग्ण निकल रहे हैं। तो हम हमारा फर्ज समझते हैं कि बच्चों को भी इस बारे में और उनके टीचर्स को, फिर उनके पेरेंट्स को इस बारे में अच्छी मालूमात हो, ताकि वो अपने बच्चों पे ध्यान दे सके कि थोड़ा भी उनको कुछ तकलीफ हो तो वो डॉक्टर से अप्रोच करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। इसलिए हमने आज कोविड के लिए प्रोग्राम अरेंज किए, और आज औरंगाबाद के जाने माने स्पीकर्स जैसे डॉक्टर अमोल कुलकर्णी हैं, जो धूत में पहले दिन से कोविड पे काम कर रहे हैं, कोविड के पेशेंट पर इलाज कर रहे हैं, फिर डॉक्टर उन्मेश टाकलकर जो सिग्मा में भी कोविड हॉस्पिटल रन करते हैं और उनको मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है, और फिर ऑक्सीजन के प्लांट भी उन्होंने खड़ा किया है, तो ऑक्सीजन की सुविधा में कभी कमी ना आए इसके लिए क्या सुविधा उपलब्ध करना चाहिए इस पे वो काम कर रहे थे। उनकी हमने सलाह ली और उनका मार्गदर्शन लिया, और फिर अभी डायबिटीज़ की वजह से और कोविड होने के बाद में म्यूकोर माइकोसिस ये बीमारी बढ़ रही है, तो ये बीमारी की जानकारी के लिए हमने वैद्यकीय गवर्नमेंट वैद्यकीय हॉस्पिटल से डॉक्टर सुनील देशमुख जी इनको इन्वाइट किए और उन्होंने म्यूकोर माइकोसिस के बारे में हमको जानकारी दी। और आखिरी में जब सबसे इम्पॉर्टेंट है आज लसीकरण, वैक्सीनेशन, और IMA के कई मेंबर्स फ्री वैक्सीनेशन सेंटर रन करते हैं, तो हमारे सेक्रेटरी भी इसमें कम नहीं है। डॉक्टर गाड़े जी एक वैक्सीनेशन सेंटर रन करते हैं 2 महीने से, और उनको वैक्सीनेशन की उन्होंने पूरी मालूमात कर ली है। वो उन्होंने ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन ये कोविड में उन्होंने फीवर क्लिनिक भी काम किया, उसके बाद
सॉप कलेक्शन में भी काम किया और अभी वैक्सीनेशन भी फ्री सेंटर के लिए जगह दी है। तो ऐसे हमारा जवर हॉस्पिटल भी हमने फ्री वैक्सीनेशन सेंटर के लिए दिया। तो आज वैक्सीनेशन के बारे में मालूमात गाड़ी सर दे रहे हैं और इस सब कार्यक्रम के लिए जो हमारे मिशन पिंक हेल्थ के सब मेंबर्स हैं उनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। जैसे कि स्टेट मेंबर अर्चना भांडेकर मैडम, फिर यहाँ के सेक्रेटरी मयूरा काले जी और हमारे प्रफुल्ल जटाले जी, उन्होंने सब क्वेश्चन आंसर तैयार किए हैं और लोगों के लिए मालूमात देने की बहुत कोशिश की है और सबने इसका लाभ उठाना, ये हमारी विनंती है। मिशन पिंक हेल्थ औरंगाबाद, इसके जो भी हम कार्यक्रम लेते हैं और जो भी चर्चा सत्र अरेंज करते हैं, इसके लिए हमको सबसे बड़ा प्रोत्साहन हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रंजळकर और डॉक्टर गाणे सर, इनका मिलता है। और कोई भी कार्यक्रम आप ले सकते हैं और लेते जाओ, इसीलिए हम ये सब कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल जटाले, मैं न्यूक्लियर मेडिसिन एंड पेट सिटी फिजिशियन सिग्मा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं IMA में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी हूँ और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मिशन पिंक हेल्थ नाम का हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हम, जैसे जवर मैडम ने आपको बताया होगा कि उसका उद्देश्य क्या है, तो अभी ये कोरोना की महामारी जो कि लोकली नहीं पूरे वर्ल्ड में जिसने पूरा तहलका मचाया है, सब कुछ सब लोग यहाँ पे परेशान है कोविड के लिए। और इसके बारे में जो हम अब आजकल व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में हर एक लोग अपना अपना कुछ तो मैसेज सर्कुलेट करता है, कैसे तो गलत मैसेज आता है, फिर वो हर जगह पे सर्कुलेट होता है, तो लोगों के अंदर एक गलत मैसेज जाता है या फिर लोगों को पता नहीं रहता क्या सही है क्या गलत है, कि कोविड में क्या करना चाहिए, क्यों होता है, उसके अंदर ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को अभी लगता है कि रेमडेसिविर है तो फिर पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाएगा या फिर एकदम वो जादू की छड़ी है रेमडेसिविर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए ही हमने आज यहाँ पे कोविड के लिए एक कार्यशाला रखी थी, जिसके अंदर अमोल कुलकर्णी जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर थे फिजिशियन दूत हॉस्पिटल के, डॉक्टर उन्मेश ठाकरकर सर सिग्मा ग्रुप के CMD, जिन्होंने काफ़ी एक साल से ज़्यादा कोविड में डेडिकेटेड काम किया है और हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर सुनील देशमुख सर कैंसर हॉस्पिटल के GMC औरंगाबाद के HOD जो कि कोविड हॉस्पिटल गवर्नमेंट का रन कर रहे हैं, देख रहे पेशेंट्स को, और डॉक्टर यशन गाड़े सर जो कि वैक्सीन और बाकी भी सोशल एक्टिविटीज़ कोविड के रिलेटेड कर रहे हैं। तो इन सब ये चारे जो स्पीकर्स थे इनको काफ़ी कोविड के बारे में नॉलेज है, तो ऐसे मैसेज या फिर ऐसा लोगों तक सही क्या सही है क्या गलत है ये मैसेज पहुंचाने के लिए एक्टिविटी हमने मिशन पिंक हेल्थ ने की थी, जो कि जूम प्लेटफॉर्म और यूट्यूब लाइव ये माध्यम और फेसबुक लाइव के माध्यम से, जो अगर कोई ये प्रोग्राम मिस करता है तो ये यूट्यूब पे या फिर फेसबुक पे कभी भी देख सकते हैं, तो उनके जो भी डाउट्स है ये प्रोग्राम के माध्यम से उनके क्लियर हो जाएंगे और ये कुछ भी गलत नहीं, इसके अंदर जो भी रहेगा वो सब सही रहेगा। तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से जो भी फेक रहता है इसके अंदर पूरा सत्य बाहर आएगा कि क्या डिजीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी बीमारी है, म्यूकर माइकोसिस पे डिस्कशन हुआ है सुनील देशमुख सर के साथ कि वो किस तरह से अर्ली डायग्नोसिस हुआ, उसके लक्षण क्या है, तो कैसे वो बचा सकते हैं, तो ऐसे डिस्कशन हमारे हुए थे। इसके अंदर जो इनिशिएटिव लिया था वो डॉक्टर जवर मैडम, डॉक्टर अर्चना भांडेकर मैडम, डॉक्टर मयूरा काले मैडम और मैं, हम चारों ने लेके एक इनिशिएटिव लेके ये शुरू किया। हमको गाइडेंस मिला डॉक्टर यशवंत गाड़े सर, डॉक्टर रंजळकर सर, इनका गाइडेंस और बाकी के IMA के मेंबर्स की तरफ से गाइडेंस मिलते ही हमने ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। मिशन पिंक हेल्थ ये हमारी सब कमिटी है IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। मैं स्टेट महाराष्ट्र स्टेट की जॉइंट सेक्रेटरी मिशन पिंक हेल्थ डॉक्टर अर्चना भांडेकर। यहाँ पे औरंगाबाद में हमने मिशन पिंक हेल्थ की ओर से हमारी यहाँ पे और एक छोटी सब कमेटी फॉर्म किए है, जिसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर उज्ज्वला झवर, सेक्रेटरी है डॉक्टर मयूरा काले एंड प्रफुल्ल जटाले सर इज़ वन ऑफ द चेयरपर्सन्स। हम बेसिकली 10 टू 20 मेनली, ये अडोलेसेंट 25 वगैरह तक अडोलेसेंट एज ग्रुप में हम लोग ज़्यादा काम करते हैं मिशन पिंक हेल्थ, उनके सारे प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, देन उनके जो भी एवरीथिंग रिलेटेड एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम्स, मेल्स के एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करते हैं। लेकिन अभी जो ये पेंडेमिक शुरू है इसमें मेन है करोना वायरस और हम ये पेंडेमिक को कैसे काबू में ला सकते हैं।
इसके लिए हमने ये महीने में सोचा कि हम लोग वैक्सीनेशन ड्राइव और करोना वायरस के बारे में लोगों को इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे और कैसा प्रिवेंट हो सकता है ट्रांसमिशन, और हर एक व्यक्ति ने वैक्सीन लेना ही चाहिए, उसको कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कि इसने नहीं लेना, उसने नहीं लेना, या जो हमारे ये वीडियो क्लिप्स चालू रहते हैं कि इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे पैदा करने में वगैरह प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ये टोटली गलत है, इस पर आप नहीं जाइएगा। आपने सबने वैक्सीनेट होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो 80-90% ट्रांसमिशन हम रोक देते हैं वहीं पर, तो उधर ही हमारा कंट्रोल आ जाता है। और करोना तो ऐसे भी होगा, टोटल 100% प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो वैक्सीनेटेड है वो लोगों को अगर करोना होता है तो वो डेफिनेटली आईसीयू तक नहीं पहुंचेंगे, हॉस्पिटल या घर में ही वो अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सब लोगों ने वैक्सीनेशन खुद होके आना और लेना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के लिए जो है अभी डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग कोवैक्सीन जैसा ट्रायल शुरू है और जल्दी ही ये भी बाहर आ जाएगा, जहाँ पे हम छोटे बच्चे 2-18 एज ग्रुप में भी कोवैक्सीन की ट्रायल्स दे सकते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जो लैक्टेटिंग मदर्स है, जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स है, इनको भी ऐसा पहले बोलते थे वो कि इन्होंने नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये सब गलत है। अभी नए नए जैसे भी स्टडीज़ हो रहे हैं, क्योंकि डिज़ीज़ नया है, किसी को भी अभी ट्रायल्स सारे शुरू है, तो इसके मुताबिक मैं ये कहती हूँ कि सारे जनों ने अभी अपने अपने डॉक्टर्स से कुछ सलाह मशवरा लेके ये पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स कंप्लीट ही करना चाहिए। हमारे पास बेसिकली ये एडोलेसेंट एज ग्रुप के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लड़कियां बड़ी हो जाती है, उनको किस तरह से हाइजीन उनका कैसा रखना चाहिए, स्कूल्स में जो जाती है ये लड़कियां, बहुत सारे रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण भागत जैसे मराठी में बोलते हैं, तो ये लोगों को चार पाँच दिन वो लड़कियों को जाने ही नहीं देते स्कूल्स में। तो ऐसे वक्त स्कूल्स में क्या क्या चाहिए ये लड़कियों के लिए, बोले तो वॉशरूम्स कैसे चाहिए, उनको डिस्पोजल के लिए क्या क्या सैनिटेशन वगैरह कैसा अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद मेल्स के लिए भी क्या क्या प्रॉब्लम है, यंग एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्पेशली एडिक्शंस, अल्कोहल, छोटे छोटे बातों के लिए वो लोग ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रह रहे हैं बच्चे, गेम्स खेलना, ये सारे चीज़ हम कैसा रोकें इनके बारे में। फिर एनीमिया, हमारे यहाँ पे जो गरीब फीमेल्स हैं उनका 15-16 साल में शादी करके उनको भेज देते हैं, फिर उनको बच्चे होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमारे पास हीमोग्लोबिन की कमी उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये फीमेल्स के लिए हम लोग काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एवरी मंथ हमको प्रोग्राम्स दिए जाते हैं बेसिकली एडोलेसेंट एज ग्रुप में। बच्चों के माता ने यही है कि बच्चों को सैनिटेशन में मेन है हैंड वॉश, और सब छोटे छोटे बच्चों को यही सिखाना चाहिए, और यही सब जैसे वो पहले से कर रहे हैं, कोई पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, बाहर ज़्यादा ना जाए, वैसे तो अभी स्कूल्स वगैरह तो सारा बंद ही है, और इससे ज़्यादा क्योंकि बच्चे मास्क भी बराबर से नहीं पहनते हैं, लेकिन ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बच्चों को अगर कोई सिम्टम्स शुरू भी होते हैं तो इमीजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करो, वो उसमें तुम देर ना करो, इमीजिएटली RT-PCR करो, RAT करो, जो भी अवेलेबल है आपके पास, और इमीजिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करो। इसमें जो मेन है वो मल्टी फंक्शन फेलियर जो बाद में होता है करोना होने के बाद, तो तब बेबी इरिटेबल होता है, ज़्यादा रोता है, एक्टिविटीज़ कम हो जाती है, ऐसे वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसमें एक IVIG बोल के इंजेक्शन होता है, वो सारे पीडियाट्रिशियन जो है वो रिकमेंड करते हैं। बेसिकली अभी तक ट्रायल्स शुरू है, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए, बाकी मैक्सिमम अभी 18+
अभी 18-45 का ड्राइव भी शुरू होने वाला है, तो दिस कैन बी द ओनली रीज़न कि अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यही जो पॉपुलेशन है विच इज़ नाउ ऑन हाई रिस्क। एक मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चों के लिए, उनकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए उनका डाइट और एक्सरसाइज, इस पर अगर अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि वो घर पे बैठ रहे बच्चे, खेलने कूदने को बाहर नहीं निकल रहे, तो भी माँ बाप ने उस पर ध्यान देना चाहिए, तो फिर इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, तो उन्हों ज़्यादा बीमारी को सफर नहीं होंगे, फेस कर सकेंगे, बीमारी को हैंडल भी कर सकेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हाई प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट और पैक्ड फूड नहीं लेना है, और तली हुई चीज़ें, बिस्किट, बेकरी मटेरियल, आइसक्रीम, ये चीज़ें अवॉइड करना है, और रोज़ उनको एक्सरसाइज, जैसे तुमको डांस करना सिखाना है तो डांस रोज करो, एरोबिक्स का क्लास ये लगाना है ऑनलाइन वो लगाओ, लेकिन उनको रोज़ एक घंटा कम से कम एक्सरसाइज करने को। इम्यूनिटी बिल्डिंग में मैडम ने जैसे अभी बोला डाइट और एक्सरसाइज, जैसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। दूसरी उसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों की नींद अच्छी होनी चाहिए, 6-8 घंटे कम से कम उनकी नींद होनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्डिंग में नींद बहुत बड़ा काम करती है। बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है, अंदर जो रिपेयरिंग होता है वो सोते वक्त होता है। उसके बाद जो है, अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं, अगर वो प्राणायाम जैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज, ब्रीदिंग टेक्निक, तो ये भी इम्यूनिटी बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो अपने घर में होना चाहिए, और पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखे, बच्चों के सामने ज़्यादा उसके उनके ऊपर चिढ़े नहीं, ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स डिस्कस नहीं करें उनके सामने हमेशा पॉजिटिव रहे, जैसे माई डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट या माई मम्मी स्ट्रॉन्गेस्ट जैसे बोलते हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चों को पॉजिटिव होप हम लोगों को देना पड़ेगा। जैसे अभी भांडेकर मैडम ने बोला मास्क अच्छे से पहनते नहीं हैं छोटे बच्चे, थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा हम लोगों को कि मास्क रखो, क्योंकि सबसे बड़े, जैसे मैडम भांडेकर मैडम ने अभी बोला कि वो क्यों, आपने पूछा क्यों इफ़ेक्ट होने वाला है, क्योंकि बाकी बड़े लोग तो इम्यूनाइज हो रहे हैं, तो अभी वही ग्रुप है जो इनको हो सकता है इफ़ेक्ट, तो फिर उनमें जब तक वैक्सीन मिलता है उन लोगों को, तब तक अच्छे से मास्क पहनना उनको सिखाना चाहिए। वो अच्छे मास्क पहने तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी आप करो वो थोड़ा बहुत मिलने वाले हैं बिल्डिंग के नीचे या ग्राउंड पे या कहीं पे, तो वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस जितना अच्छा हो सके उतना, और मास्क, अगर सिंगल मास्क नहीं है तो दो मास्क तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं। अभी तो WHO सब जो गाइडलाइंस बोल रही है कि दो मास्क पहना हो, तो सिंपल मास्क का हाइजीन जो है, धुले हुए मास्क होने चाहिए डेली प्रॉपरली, या रोज़ वही मास्क यूज़ किया धुला नहीं है तो फिर उसमें से तो वायरस जा सकता है, तो डेली दो धुले हुए कॉटन के मास्क यूज़ करने चाहिए, जैसे हैंड वॉशिंग वो भी तो करना ही चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें, इम्यूनिटी बिल्डिंग इज़ नॉट अ सिंगल थिंग कि मेडिसिन कुछ होता है, मेडिसिन से कुछ भी ज़्यादा इम्यूनिटी बिल्डिंग नहीं आता है, इम्यूनिटी बिल्डिंग अपने आप को बिल्डअप करना पड़ता है, तो वो स्लीप है, अच्छा फूड है, एक्सरसाइज है और पॉजिटिव थॉट्स, ये चार चीज़ें हैं।